हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से ऑल मालेगांव स्कूल क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया। सुबह 10 बजे जेटी गर्ल्स हाई स्कूल में शुरू हुआ, जिसमें तकरीबन 1100 बच्चों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। तमाम बच्चों ने इम्तिहानात बखूबी दिए। इसमें तकरीबन 500 सवालात के पंफलेट स्कूलों तक पहुँचाए गए थे। इसी में से 50 सवालात पूछे गए थे। इन 50 सवालों के जवाब बच्चों ने बखूबी तहरीर किया। अनकरीब इनके इनामी प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। अव्वल इनाम 18,000 नकद, दूम इनाम 12,000 नकद और सुवम इनाम 6,000 रुपया नकद होगा। नेज दीगर तलबा व तालबात को इनामात से नवाजा जाए। प्रोग्राम हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के निगरा सैयद मौलाना अमीनुल कादरी की जेर सरपरस्ती में अंजाम पजीर हुआ। ये प्रोग्राम उम्मीद करियर गाइडेंस टीम मालेगांव की जानिब से हुआ। इस प्रोग्राम में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मजलिस शोरा व अराकीन, सुन्नी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान मुबल्लिगीन, हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल का टीचर्स स्टाफ। इस प्रोग्राम में जितने बच्चे शरीक रहे, इन सभी स्कूलों के इंचार्ज ने भी शिरकत की। कई स्कूलों के एचएम भी तशरीफ़ लाए। सुन्नी इस्लामी हेरा इंग्लिश स्कूल की जानिब से स्कूल टीम की जानिब से आए हुए तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। जेटी स्कूल के चेयरमैन निहाल अंसारी साहब को सेंटर देने पर इनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया। बोलो। हाई स्कूल से मुझे एग्जाम बहुत अच्छा लगा और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जनरल नॉलेज का जाम हुआ और भी पेपर वगैरह बहुत अच्छा रहा। मैं स्टडी अच्छी ऐसे एग्जाम होना चाहिए दोबारा से एग्जाम में शिरकत करने से अच्छा लगता ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शिरकत करने से अच्छा लगता है। हमारे माथे में जाम होते हैं और ये तो हर साल हो जाते हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा और अलग इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो शुरुआत थी वो बहुत ही अच्छी थी और आगे भी ऐसे चलता रहे और हम लोग तरक्की करते हैं। ऐसे एग्जाम होना चाहिए आपके, इस तरह के एग्जाम होना चाहिए। हाँ, इसी तरह के एग्जाम होना चाहिए ताकि आगे भी ऐसे भी तरक्की करें। और कोई ड्रेस वाले हो ना, ड्रेस वाले आगे आओ ना, यूनिफॉर्म वाले आगे करा दे। इंटरनेट का बहुत अच्छा लगा और इसी तरह का बहुत अच्छा लगा। हमारे आगे काम आएंगे। एग्जाम कैसा था आपको, कैसा लगा? और मालूमात हमारे घर में इजाफा होता है ऐसे क्विज कॉम्पिटिशन में।
यस बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ऑल मालेगांव पुलिस कंपटीशन का प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज हुआ वो मालेगांव शहर में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जरिए तमाम हेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलती है ये उसी के ज़रिए से प्रोग्राम आज यहाँ पर रखा गया था। अल्लाह के फजल से ये हेरा इंग्लिश स्कूल की तरफ से ये पहला प्रोग्राम था और अल्लाह पाक ने पहले ही प्रोग्राम में 1111 बच्चों को इन्हें शमूलियत करने की इख्तियार हिदायत दी और यहाँ पर जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों से जब मालूम दी गई तो काफ़ी खुशी का उन लोगों ने इजहार किया कि इस तरीके के प्रोग्राम और भी मजीद होने चाहिए। ये प्रोग्राम करने की हम लोगों की जो एक सोच थी वो सिर्फ ये थी कि मालेगांव शहर में जो सुन्नी दावत इस्लामी चलती है इसके जो निगरान है प्रॉपर लेवल पर मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब उनकी एक ख्वाहिश है कि मुस्लिम बच्चे कौम के बच्चे किसी भी मामले में पीछे ना रहने पाए हर महाज पर वो लोग आगे बढ़ें। इसीलिए जब तक किसी का इम्तिहान नहीं लिया जाएगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है इसीलिए कोशिश की गई कि इम्तिहान लेकर जनरल नॉलेज का और मैं समझता हूँ कि जो इसमें सवाल पूछे गए हैं शायद कि अभी जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं स्कूलों में उसमें शायद कि उनके सिलेबस में ये सवाल नहीं होंगे तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं वो तालीम हासिल करते करते ऐसे भी ऐसी मालूम भी उन लोगों के जहन में हो कि जो आगे फ्यूचर में उन लोगों को काम आ सके। तो सवाल ऐसे ही पूछे गए थे कि जो स्कूलों में और सिलेबस में शामिल नहीं थे उसको अपने जहन से तैयार करके यहाँ पर सवाल पूछे गए थे ताकि बच्चों को आगे किसी भी मामले में उनको आगे काम आ सके। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमील रस्मी। सुनील अल्लाह के साथ हम लोग सब काम करते हैं। हमारी जो ये टीम है यहाँ पर उम्मीद कैरियर गाइडेंस टीम ये सुनील दावत इस्लामी का एक हिस्सा है और ये ख़ास तौर से बॉम्बे में इसकी एक जो हमारा हेड ऑफिस है इसका बॉम्बे में है जिसको मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब हमारे जो ऑल वर्ल्ड अमीर है ये उन्हीं की निगरानी में पूरा काम यहाँ पर होता है।